पर वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले। यहाँ पर देखो कैमरा मेरा बहुत ज़्यादा गिरता रहता है। और फिर ये सारे कपड़े मैं जा रही हूँ छत पे फैलाने, और उसके बाद नहाऊंगी, फिर कुछ नाश्ता बनाऊंगी चटपटा सा। तो चलो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में नहाने के बाद। और प्लीज़ यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। और बस, और मैं क्या बोलूँ आप सभी से, थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो अगर आप यहाँ तक वीडियो आगे देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कर देना। और उसके बाद पतिदेव चले गए थे अभी को स्कूल से लेने, क्योंकि आज उनकी जल्दी छुट्टी हो रही थी। तो नाश्ते में देखो उन्होंने क्या ले आए हैं, वो मतलब क्या लेकर आए हैं। तो आज का मॉर्निंग का नाश्ता बहुत ही यम्मी हो गया, हम लोगों का दिल खुश हो गया खाकर। वैसे रोज़ नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी खाते हैं, कभी कभी बनता है ये सारी चीज़ें। तो चलो फिर, आज का मेरा वीडियो भी यही था और नाश्ता भी यही था फ्रेंड्स। तो चलो फैमिली के साथ नाश्ता इंजॉय करते हैं और मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का। तो प्लीज़, हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो यहाँ पर अभी का कुछ पैजामा हमने मीशो से मंगाया था जो कि आ गया है, तो वही माँ बेटी मिलकर देख रहे थे। और अच्छा है, सारे पैजामे बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कपड़ा भी बहुत अच्छा, मतलब सारा कुछ ठीक है, अच्छा था। तो फिर यहाँ पर वही हम लोग देख रहे थे इनका पैजामा, और ये बच्चा देखने नहीं दे रहा था कि मैं अच्छे से आप सभी को दिखा पाऊँ। और भी ये रात का टाइम है, हम लोग के सोने का टाइम था। और उसके बाद फिर ये अगले दिन मॉर्निंग के क्लिप, यहाँ पर मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे करनी है पूजा, मेरा व्रत है। बस पूजा की तैयारी हो रही है फटाफट, और उसके बाद यहाँ पर मैं तैयार व्यार होकर आ चुकी हूँ। फटाफट मैंने स्नान किया, बाल बाल सुखाया, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने, क्योंकि दूसरे के घर जाके पूजा करनी है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जल्दी जल्दी से उससे पहले मैंने सारी तैयारी ख़त्म कर ली, क्योंकि ये कोई मतलब किसी को इंतज़ार करवाना बिल्कुल भी मुझको अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचती हूँ ना कि उसके उसके टाइम से पहले मैं भी निकल जाऊँ। तो यहाँ पर फटाफट मैंने पूजा करी और पहुँच गए। तो बस अभी जो है जा रहे हैं पूजा करने, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से एक बारी से। और प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत 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 आवश्यकता है फ्रेंड्स। सभी को होती है और इसीलिए सब लोग इतना मेहनत करते हैं, तो मुझे भी है, इसलिए मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो मैं आप सभी के साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन शेयर करती हूँ, और आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और पतिदेव बच्चों को तैयार कर रहे हैं और मैं पूजा का सामान तैयार कर रही हूँ, तो हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर कैसे ख़त्म करते हैं पूरा काम, एकदम मॉर्निंग वाला काम हो या कुछ भी हो, कोई भी काम हो, पतिदेव मेरी बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में। तो हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर फटाफट सारा काम जो है निपटा देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरा अभी जो है अभी तैयार हो चुके हैं और हम तैयार हो चुके हैं, अभी पतिदेव और कुंज बच्चे हैं। तो पतिदेव स्नान करने जा रहे हैं, कुंज को मैं कपड़े पहना दूंगी, तो इसी तरीके से हम लोग तैयार हो जाएंगे। पूजा वाला ब्लॉग मैंने दूसरे वीडियो में अपलोड कर दिया, आप लोग देख लेना, यहाँ पर पूजा करके जब मैं आ गई थी तब की क्लिप है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, फिर मैंने थोड़ा बहुत वीडियो नहीं बनाया था, पतिदेव ने अपने फ़ोन में बनाया था, तो बाद में मैंने उनके फ़ोन से लेकर अपने फ़ोन में जो है ऐड किया, तो उसका ब्लॉग मैंने अलग से अपलोड किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं आई, और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि जो है पूजा करने के बाद ना प्यास लग जाती है, बहुत तेज़ से लग जाती है। तो पहले चाय चढ़ा देंगे, उसके बाद पानी पिएंगे, क्योंकि पतिदेव ना बिल्कुल भी बिना कुछ खाए पिए तो वो तो एक पल भी नहीं रह सकते। तो फटाफट उनको मैंने पानी दिया, मीठा रखा था मीठा दिया, और अभी यहाँ पर चाय चढ़ाएंगे क्योंकि चाचा जी भी चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग क्या ना सब मॉर्निंग वाली चाय का इंतज़ार करते हैं बस एक बार ही, शाम को कोई इतना ज़्यादा खास याद नहीं रहता, फिर मॉर्निंग में भी बहुत कम ही हम लोग चाय वाय पीते हैं, बहुत मुश्किल से, कभी कदार पी लिया तो पी लिया, नहीं तो हम लोग चाय वाय नहीं पीते हैं। तो बस यहाँ पर चाय बन गई, मेरा क्यूटी आ गया, इनको कुछ चाहिए खाने के लिए तो इनको दे देते हैं कुछ खाने के लिए। और बहुत लंबा ब्लॉग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा ना तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की और प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और वीडियो को फुल वॉच करना। और ये सारी ब्लॉग है, साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो जब भी पहनती हूँ तो सारी ब्लॉग अलग से मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सारी ब्लॉग अपलोड कीजिए, सारे ब्लॉग अपलोड कीजिए। तो ये रहा सारी ब्लॉग, और इस वीडियो का भी एंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है थक गए हैं। तो चलो फिर बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो पर आ ही गए हैं तो क्लिक कर लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से।
तभी मेरा सारा काम धाम ख़त्म हो गया है और कुंज यहीं पास में मेरे झूले के पास झूले पे सो गए हैं, क्योंकि जो है रूम का सारा गद्दा वद्दा हम लोगों ने छत पर डाल दिया है। और वहाँ पे सोएंगे तो ज़रूर, लेकिन ये गड़ेगा तो ये बच्चा उठ के बैठ जाएगा। तो झूला मैं उनको झुला रही थी और यहीं पर ये सो गए, तो मैंने कहा चलो यहीं रहने दो, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हो रही है। तो फटाफट मैं किचन में आई, यहाँ पर मैं एप्पल कट कर दूँगी अभी के लिए, क्योंकि अभी जग रहे हैं तो उनको दे देंगे। वो टीवी देख रहा है, टीवी देखते देखते खा लेगा। तो यहाँ पर मेरा कैमरा स्टैंड पता नहीं कहाँ रहता है, तो मैं जैसे जहाँ भी मुझे वक्त मिलता है वैसे मैं फ़ोन वगैरह लगा देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग देख लेना, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन नहीं जाता है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आपका टाइमिंग क्या है वीडियो अपलोड करने का, तो नोटिफिकेशन नहीं जाता इसलिए आप लोग जान नहीं पाते हैं। और बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग से उम्मीद है कि वीडियो पूरा देखना। यहाँ पर मैंने अभी को जो है सेब कट करके दिया, मैंने थोड़ा सा मैंगो खाया क्योंकि ये कटा हुआ रखा था, तो बच्चों को मैं नहीं देती हूँ, मैं खुद खा लेती हूँ। जो मतलब खुद खाने का मतलब जो पहले से काट के रख देती हूँ ना, तो वो जब बच्चे उस टाइम पर नहीं खाते तो मैं खा लेती हूँ उसको। और यहाँ पर फिर थोड़े बहुत मैंने किचन के काम किए, जैसे दोपहर का खाना की तैयारी। तो अभी और कुंज को आलू का जो है भुजिया वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो आज मैंने सोचा आलू उबाल करके इसकी टिक्की बना देंगे और साथ में रोटी बना देंगे, तो भी मेरे बच्चे जो है इसको बड़े प्रेम से खा लेंगे। तो आज के खाने में यही है, और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो है मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी क्या किया जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर हो रही है और घर में इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं इतनी हैप्पी से कर लेती हूँ, क्योंकि जो है कभी कभी होता है ना कि आप सुबह 4 बजे भी उठ के बैठ जाओ, लेकिन फिर जब बच्चे जिद करने लगते हैं ना, तो आपके काम में 12-1 बजनी ही बजनी है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी नींद पूरी हो जाए, और नींद नहीं पूरी होती ना तो मेरा सर बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी नींद पूरी जो है पूरी कर लूँ, उसके बाद ही कुछ काम धाम करूँ। तो यहाँ पर आलू चढ़ा दिया है, यहाँ पर आटा भी लगा रही हूँ, और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि बहुत सारे तरीके से कमेंट्स आते हैं, तो मैं सबका कुछ नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि देखिए मैं जैसी भी हूँ, जो भी मेरे घर में चीज़ें होती रहती हैं मैं वही सारा कुछ शेयर करती हूँ। मैं बाहर कहीं जाती नहीं, तो बाहर का मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, आप लोग खुद ही बताइए। घर में रहती हूँ तो घर का सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, वही सारा कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस सपोर्ट करिए, अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो धीरे धीरे ना मैं भी थोड़ा सा खुल जाऊँगी, तो बहुत अच्छे से और भी ब्लॉगिंग मेरी जो है शुरू हो जाएगी। वो कहते हैं ना, जब इंसान वायरल हो जाता है या थोड़ा बहुत कुछ करने लग जाता है तो थोड़ा सा उसको हैप्पीनेस जो है मिलती है, तो वही मेरे साथ भी होगा। थोड़ा सा और मैं खुल जाऊंगी तो अच्छे से अपना काम धाम करूंगी। यहाँ पर लीजा का मैं खाना निकाल रही हूँ, तो लीजा को मैं आज खाने में दही चावल दूंगी, क्योंकि वो जो है रोटी और दूध खाती है, और दही रोटी भी खाती है, लेकिन चावल दूध अगर उसको दे दो ना तो वो नहीं छूती है, तो इसलिए उसको दही चावल देते हैं, तो अभी वो बड़े प्रेम से खा लेती है। आलू बॉयल हो गया है, यहाँ पर आटा लगा के रख दिया है, अभी मुझे दाल जो है चढ़ाना है, और उसके बाद भी मेरा जो है सारा काम ख़त्म हो गया। ये है दोपहर का खाना, थोड़ा सा इग्नोर करना फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो रात के 12 बज रहे हैं, मुझे बहुत तेज़ वाली नींद लगी है, और जब भी मैं ब्लॉग से एडिटिंग करती हूँ ना तो रात का ही टाइम होता है, और पूरे दिन की थकी हारी में रहती हूँ, तो जल्दबाजी में ना मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी से कर लूँ, क्योंकि अगले दिन का क्या होता है ना कि कुछ रहता नहीं है ब्लॉग्स अपलोड करने का, तो मैं बस ऐसे ही कर देती हूँ। तो प्लीज़ अभी समझने की कोशिश करें, मेरा भी बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद अच्छे से वीडियो वगैरह मैं डालूँगी। और ये है मेरे कुंज राजा साहब, आप लोग देख सकते हैं कहाँ ये बची है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर सारे बर्तन तर मैंने धुल के रख दिए, मतलब आज का जो वीडियो था ना पूरा किचन का ही था, मैंने किचन के सारे काम किए, सारी चीज़ें देखिए, दूध वगैरह मैंने बॉयल किया, वो सारे कुछ बर्तन वर्तन निकल गए थे, यही सारी चीज़ें जो है हो गई। तो मैंने दाल बना लिया है, चावल बना लिया है, रोटी अभी नहीं बनाया है, अभी मुझे ये सारे कुछ बर्तन धुलने हैं, दूध वगैरह मैंने बॉयल किया और मलाई से घी भी मैंने निकाला, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि क्या होता ना कि फ़ोन मेरा बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, तो थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ बीच बीच में मैंने क्लिप ले लिया है वही मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है।
तो बस अभी उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी ना तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। घर में बहुत सारे काम होते हैं और किचन में घुस जाओ ना तो जैसे लगता है कि आज पूरा दिन किचन में ही लग जाएगा। किचन का जो काम होता है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो चलो फिर आज का वीडियो मैं सोच रही हूँ एंड कर दूँ फ्रेंड्स, जो कि ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगी, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियो को फुल देखना फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी के